सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे साथ सूर्यांश है और ये अपना इन्फोसिस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने असेसमेंट दिया था और क्या क्या राउंड हुए थे, और ये थोड़ा सा स्ट्रेटजीज भी अपने साथ शेयर करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग सूर्यांश से बात करने वाले हैं। तो सूर्यांश, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। ओके, सो थैंक्स मृदुल फॉर इनवाइटिंग ऑन योर चैनल। सो हेलो गाइस, मेरा नाम सूर्यांश है एंड मैं झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। एंड मैंने अपनी 10th और 12th दोनों झांसी से ही करी है, सीबीएसई बोर्ड से। एंड 10th में 9.6 सीजीपीए था एंड 12th में 83.4 परसेंटेज थे। एंड आफ्टर दैट मैंने बीटेक कर रहा हूँ अभी। आई एम करेंटली इन फोर्थ ईयर एंड मैं एक टीयर 3 कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि सूर्यांश ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ये टायर 3 कॉलेज से अपना बीटेक कर रहे हैं और इन्होंने जो है इन्फोसिस जो है इन्होंने कंपनी क्रैक कर रखी है। तो आपका थोड़ा सा आप असेसमेंट प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से आपका असेसमेंट हुआ था और कैसे आपने क्लियर किया था। सो एक्चुअली मृदुल, सो मेरी जो प्रोफाइल है वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर है इन्फोसिस में। सो गाइज, आई एम सिलेक्टेड एट अ डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर पोस्ट इन इन्फोसिस। सो पहले तो मैं ये कर दूं क्लियर कि इन्फोसिस जो है वो दो एग्जाम के थ्रू हायर करती है। फर्स्ट इज इन्फी टी क्यू एंड सेकेंड वन इज हैक विथ इन्फी। सो थ्रू इन्फी टी क्यू इट ऑफर्स, द मेन पोस्ट इज सिस्टम इंजीनियर जिसका पैकेज 3.6 LPA होता है। एंड अगर आप इन्फी टी क्यू के फाइनल राउंड को क्लियर कर लेते हैं देन इन्फी टी क्यू के थ्रू वो आपको एक और राउंड का देते हैं ऑफर, एडवांटेज राउंड जिसको बोलते हैं। अगर आप उसको क्लियर कर लेंगे तो आपके पास 6.25 LPA और 8 LPA की पोस्ट के लिए इंटरव्यू के ऑफर आ सकते हैं। लेकिन जो मेन पोस्ट है इन्फी टी क्यू की वो 3 सिस्टम इंजीनियर। एंड जो इन्फोसिस का सेकेंड एग्जाम होता है हैक विद इन्फी, उससे वो दो पोस्ट ऑफर करती है, स्पेशलिस्ट इंजीनियर जिसका पैकेज 6.25 LPA है एंड द सेकेंड वन इज पावर प्रोग्रामर या फिर जिसको स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर भी बोलते हैं, उसका पैकेज 8 LPA है। सो मैं हैक विद इन्फी के थ्रू डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूँ इन्फोसिस में। तो यहाँ पे जैसा कि आपने सूर्यांश ने देखा कि यहाँ पे ये सिस्टम इंजीनियर रोल पे नहीं है, ये एक डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर रोल पे हैं। और ये इन्होंने जो इंटरव्यू, इनका जो ओवरऑल प्रोसीजर था इसमें, तो यहाँ पे जो इनका असेसमेंट था वो यहाँ पे इन्होंने इन्फी टी क्यू से नहीं हैक विद इन्फी टी क्यू से क्लियर किया था। तो हैक विद इन्फी टी क्यू से आप बताइए कि कितने राउंड थे और क्वेश्चन किस लेवल के थे। ओके, सो हैक विद इन्फी जो एग्जाम होता है उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम कोडिंग ओरिएंटेड होता है। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे, एक इजी, एक मीडियम और एक हार्ड लेवल। और मतलब तीनों एक क्वेश्चंस का अलग अलग वेटेज होता है। सो मैंने हैक विद इन्फी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था मीडियम लेवल का। एंड वो क्वेश्चन जो था वो एरे और स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड था। मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट वो जो मेन स्लाइडिंग विंडो और एरे से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो टोटल क्वेश्चन कितने थे कोडिंग के? 3 क्वेश्चंस थे। ओके, और लेवल की बात करें अगर तीनों की तो कैसा था? ओके, सो लेवल तो काफी सही होता है हैक विद इन्फी का। लाइक अगर स्टूडेंट्स लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो एक पोस्ट अभी काफी वायरल हुआ है स्ट्राइवर का, तो जिसमें उसने कहा है कि If you have cracked Infosys, then you can easily crack Amazon, Microsoft. So, मतलब जो hack with Infi exam का level होता है, वो Amazon, Microsoft के level के भी ऊपर होता है, जो coding questions आते हैं उस exam में। मतलब अगर आप lead code के medium to hard level बोल सकते हो, और code forces पे you can expect 1800 plus rating questions. Okay. तो
तो यहाँ पे जैसा कि सूर्यांश ने बताया कि जो अगर आपने इन्फीटीक्यू का जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं हैक विद इन्फीटीक्यू का, अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी कंपनीज भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो काफ़ी अगर लेवल की बात करें तो मीडियम और हाई लेवल के बीच में ही इनका कोडिंग क्वेश्चन होता है, तो इसमें काफ़ी अच्छी आपकी कमांड होनी चाहिए। तो आपके जो मीडियम लेवल का था आपने एक क्वेश्चन क्लियर कर लिया था, तो उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू के लिए, फिर आ गया था मेल। यस, एक्चुअली जो 2021 उनसे भी काफी बात करी है, तो जनरली ये ट्रेंड देखा गया है कि अगर आप एक या एक से ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू का मेल आ जाता है, और अगर आप दो या दो से ऊपर क्वेश्चन बना लेते हैं तो पावर प्रोग्रामर के लिए मेल आ जाएगा। सो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, पूरा प्रॉपर 100% वर्क कर रहा था जो, तो मैं मतलब डाउट में था कि मेरे को मेल आएगा या नहीं आएगा, बट आफ्टर वन मंथ मेरे को मेल आ गया था इंटरव्यू का। ओके, तो ये टोटल प्रोसीजर रहा सूर्यांश की तरफ से, और इन्होंने बताया कि डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर और पावर प्रोग्रामर कब आपको दिया जाता है, कि जब आपके एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पूरी तरीके से तो आपको डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का इंटरव्यू आपका आगे प्रोसीड होता है। अगर आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपको यहाँ पर पावर प्रोग्रामर मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये बताइए, मान लीजिए दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और पावर प्रोग्रामर का आपने इंटरव्यू दिया और उसमें मान लीजिए फेल हो गए, तो फिर क्या डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का रोल मिलेगा? जी, वो डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर, प्लस इसमें लक फैक्टर भी होता है कि हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा जाए तो पावर प्रोग्रामर का मिल जाए ATLPA वाली प्रोफाइल, इंटरव्यू का खराब होता है तो आपको वो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर का भी ऑफर कर सकते हैं, और अगर बहुत ही मतलब खराब हुआ तो सिस्टम इंजीनियर का भी कर सकते हैं या फेल भी कर सकते हैं या कोई भी ऑफर ना करें, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यूअर एंड योर लक। तो ये ओवरऑल जो जैसे सूर्यांश ने बताया कि ये डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, अगर आपने पावर प्रोग्रामर का इंटरव्यू अच्छे से नहीं क्लियर किया तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी जॉब रोल दे सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया सूर्यांश ने। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। तो आपके पास एक महीने बाद जैसे कि मेल आ गया था इंटरव्यू का, तो फिर आगे फिर क्या प्रोसीड हुआ था? जब मेरे पास मेल आया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, तो इंटरव्यू मेरा उस मेल के एक महीने बाद हुआ था, तो मेरे पास सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम था टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज। सो मैंने अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब अपने क्लास नोट्स से पढ़े, और थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से भी हेल्प ली, जो कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ऊप्स के, डेटा स्ट्रक्चर्स के, ये सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। एंड उसके एक महीने बाद मेरा इंटरव्यू हुआ दोपहर में 3 बजे। सो इंटरव्यू मेरा 40 to 45 minutes चला अप्रोक्सीमेटली, एंड जो मेरा इंटरव्यू जो मैंने प्रिपेयर किया था, जो मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे अच्छे से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब पूछा ही नहीं गया मेरे से। तो इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, सो इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड मी दैट व्हाट इज माय फेवरेट लैंग्वेज बिटवीन पाइथन एंड जावा। सो मैंने बोला कि आई लाइक बोथ द लैंग्वेजेस बट आई प्रेफर पाइथन। सो उसने जो इंटरव्यू हुआ वो मेरा प्रॉपर पाइथन पर चला, प्लस थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछे गए और HR क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये मेरा इंटरव्यू का समरी थी बेसिक। तो यहाँ पे जैसे कि सूर्यांश ने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इनसे HR और टेक्निकल के क्वेश्चन पूछे गए, और इनका जो इंटरव्यू था वो 40 से 45 मिनट चला, और आपको जो कोर सब्जेक्ट है जैसे कि इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और कंप्यूटर नेटवर्क, तो इन तरीके के जितनी भी सब्जेक्ट है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कि जैसे कि इनसे सूर्यांश ने तो डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन किया गया कि आप अपनी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बताइए कि किसमें ज्यादा कंफर्टेबल है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो आपको हर चीज पहले से प्रिपेयर करके जानी है। तो थोड़ा सा ऑडियंस आपको देख रही है, आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरीके से आपने प्रिपेयर किया और ऑडियंस भी क्लियर कर पाए इंफोसिस। ओके, सो फर्स्ट तो जो कोडिंग राउंड है, कोडिंग राउंड के लिए मैं रेफर करूंगा कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स की आपको अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए,
स्पेशली एरेज, मैं बोलूंगा एरेज, स्लाइडिंग विंडो, जो डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम है, और ट्रीज, ग्राफ्स, इन पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए टू क्रैक द ओए, दैट इज द हैक विद इन्फी एग्जाम. एंड फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन यू कैन, यू हैव टू डू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड डीएसए तो आपका होगा ही स्ट्रॉन्ग क्योंकि आपने अगर हैक विद इन्फी निकाला है तो. और मैं बोलना चाहूंगा लैंग्वेजेस आपको ऊप्स पढ़नी ही पढ़नी है अच्छे से, जावा और पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज को आपको आनी चाहिए अच्छे से, जिसमें आप एक्सप्लेन कर पाए चीजों को, और बेसिक एचआर क्वेश्चंस भी करने हैं. नाउ अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूं तो जहां से मैंने किया था, तो मैंने डेटाबेस किया था नॉलेज गेट से, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने किया था गेट स्मैशर से, मैंने किया था स्मार्ट प्रोग्रामिंग, एक चैनल है यूट्यूब पर, तो मैंने ऊप्स और जावा उससे पढ़ी थी, प्लस जो पाइथन है वो मैंने सौरभ शुक्ला के कोर्स लिया था फर्स्ट ईयर में, तो मेरे वहां से कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो वो मैंने किया था. तो ये मेरे कॉमन ये थे. और एचआर क्वेश्चन मैंने जो जनरल जो वेबसाइट्स पर जो होते हैं टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चंस एचआर, वो मैंने कर रखे थे. प्लस मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स भी कर रखा था कोडिंग निंजास से इन माय थर्ड ईयर, तो मेरे प्रोजेक्ट्स प्लस जो रेज्यूमे था वो पूरा मशीन लर्निंग ओरिएंटेड ही था, उसमें मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स थे और मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग ही पूरा था. सो ये मेरा प्रॉपर ये था. अगर आपको रेज्यूमे मेरा देखना है, सो आई विल शेयर द लिंक विद यू ऑफ माय लिंक्डइन प्रोफाइल, सो वहां पर आप जाके मेरा रेज्यूमे और पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सूर्याश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, और इन्होंने हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जैसे डेटाबेस हो गया, आपकी कोर नॉलेज तो अच्छे से होनी चाहिए, और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको अच्छे से कमांड है उसमें जैसे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गया आपको अच्छे से आना चाहिए, और इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बताया कि कहाँ कहाँ से इन्होंने पढ़ रखा है. और जैसे कि एचआर क्वेश्चन की बात करें तो मैंने टॉप 10 एचआर क्वेश्चन बना रखा है, तो यहाँ पर लिंक दे दूंगा आप आई बटन पे, तो उसको भी जाकर के जरूर एक्सेस कर सकते हैं. तो ओवरऑल इंटरव्यू काफी अच्छा रहा, तो आपको कैसा लग रहा है, आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है? ये कि मैंने इंफोसिस का एग्जाम क्रैक किया प्लस इंटरव्यू भी क्रैक किया, एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू जॉइन इंफोसिस. तो आगे आपका क्या गोल है, किस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जी अभी तो मैं आई वांट टू वर्क विद इंफोसिस फॉर सम टाइम एंड गेन माय गेन न्यू स्किल्स, एंड देन आफ्टर दैट आई विल ट्राई फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. ओके ओके ओके, सो ये सारा जो है इनका सूर्यांश की तरफ से जो है इंटरव्यू था और एक्सपीरियंस था, और नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छे से शेयर किए. तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी. तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करेगा. तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.